एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट। तो लॉरियल पैरिस ने रिसेंटली ही बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। आई ट्राइड इट एंड आई लव्ड इट। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी ये सुनकर के जब मुझे ये पता चला कि लॉरियल पैरिस हाइलुरोनिक शीट मास्क भी लॉन्च कर चुके हैं एंड दे वर काइंड इनफ टू सेंड मी फ्यू ऑफ देयर शीट मास्क टू मी। एक मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, एक मैं आप लोगों को ट्राई करके बताऊंगी एंड आई विल गोइंग टू शो कि इसको कैसे यूज करते हैं एंड ये किस तरह का रिजल्ट दिखाता है आपकी स्किन पे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस शीट मास्क के बारे में। सो दिस इज अ नेक्स्ट जनरेशन टिश्यू मास्क एंड इज डिफरेंट एंड सुपीरियर फ्रॉम ऑल द अदर शीट मास्क अवेलेबल इन द मार्केट। सो दिस इज अ गेम चेंजर शीट मास्क। ये यूज करने में बहुत ही ज्यादा फन एंड रिलैक्सिंग तो है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। ये आपके स्किन के टेक्सचर को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, आपकी स्किन की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है, साथ ही साथ ये डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड उसके साथ ही आपको एक रेडियंस देता है आपकी स्किन को, एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है। इसको लगाने के बाद आपके स्किन पे आपको एक फ्रेश बूस्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड मिलता है जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा इंस्टेंटली ग्लोई हो जाती है। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट कि क्या इस शीट मास्क को डिफरेंट एंड सुपीरियर बनाता है। नाउ इस शीट मास्क को जो आप देख रहे हैं, जनरली हम कैसे शीट मास्क देखते हैं, हम उसको ओपन करते हैं एंड देन हमको एक वेट मास्क मिलता है। नाउ व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस शीट मास्क, इस मैं आपको पास से बताती हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ड्राई मास्क है, शीट मास्क है एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दिस इज अ फ्रेश हाइलुरोनिक एसिड। तो जब भी आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है आपको खुद से उसी टाइम इंस्टेंटली इनको मिक्स करना होगा एंड साथ ही साथ अपने फेस पे लगाना होगा। सो दिस हेल्प्स प्रिजर्विंग द फ्रेशनेस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड जिसकी वजह से आपकी स्किन को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो इसका जो ड्राई शीट मास्क है दिस इज मेड अप ऑफ नेचुरल एल्गी एक्सट्रैक्ट विच कैन एब्जॉर्ब 20 टाइम इट्स ओन वेट इन वॉटर, जिसका मतलब है कि ये जो ड्राई शीट मास्क है ना ये बहुत ही अच्छे से सीरम को अब्सॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। इस मास्क के अंदर लेस ड्रिपिंग होती है सो दैट जो मास्क है ना वो सीरम आपके फेस पे आपके स्किन पे ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सके। सो द लिक्विड सीरम दैट यू सी हियर इज पावर्ड बाय कंसंट्रेटेड हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड इज वन इंग्रेडिएंट दैट यू मस्ट इंक्लूड इन योर स्किन केयर एज सून एज आप 20 के हो जाते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हाइलुरोनिक एसिड। सो इट इज अ नेचुरली अकियरिंग इन द स्किन विच कैन होल्ड अप टू 1000 टाइम इट्स वेट इन वॉटर। दिस इज एन इंग्रेडिएंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द मॉइस्चर इन योर स्किन। इन शॉर्ट यू कैन कॉल इट अ मॉइस्चर मैग्नेट। जैसे ही आप 20 के होते हैं आपके स्किन का जो एसिड लेवल है वो नीचे जाने लगता है एंड सून आपकी जो स्किन है वो डल एंड डिहाइड्रेटेड लगने लगती है। तो इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं कि जैसे ही आप 20 के हो जाते हैं यू शुड इंक्लूड हाइलुरोनिक एसिड इन योर स्किन केयर रेजिमे एंड हियर कम्स द हाइलुरोनिक सीरम एंड द शीट मास्क। ये जो शीट मास्क है काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड आपकी स्किन में इसका जो सीरम है वो बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है। ये आपके फेस पे बहुत अच्छे से फिट करता है, आपको हैवी नहीं लगता ये वाला शीट मास्क। अब मैं इसको बता देती हूँ कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ऑल्दो यहाँ पर पीछे सब कुछ मेंशन है बट स्टिल मैं एक बार डेमो शो कर देती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है एंड स्किन पे ये कितना ग्लो छोड़ के जाता है। सो दिस इज द शीट मास्क। तो इसमें एक तरफ सिरम है और एक तरफ ड्राई मास्क है। तो अब हम क्या करेंगे, जो दो लाइंस आपको दिख रही है ना डॉटेड लाइंस, यहाँ से आपको इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो टू फोल्ड्स आपको करने हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस इसके पीछे दिए हुए हैं बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर एक डेमो शो कर रही हूँ। एंड अब आपको जहाँ पे सिरम है उसको पुश करना है एंड एक हल्की सी स्लाइट आवाज़ आएगी और ये जो पूरा सिरम है ये आपके ड्राई शीट में चला जाएगा। इसमें जो कंसंट्रेशन परसेंटेज है हाइलुरोनिक एसिड का वो एकदम राइट अमाउंट में है और डाइल्यूटेड नहीं है। सबसे ज़्यादा वाव फैक्टर इस पूरे शीट मास्क का मुझे ये लगता है कि हम लोग इसको फ्रेशली मिक्स कर रहे हैं मास्क को एंड साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड को। तो जो थोड़ा बहुत सीरम बच जाता है ना उसको भी मैं अंदर मास्क की तरफ पुश कर रही हूँ ताकि पूरा जो भी सीरम है वो मास्क में आ जाए, शीट मास्क में। अब आप देख सकते हैं कि कितना कम ड्रिप होता है, इसमें से ड्रिपिंग नहीं होती है। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, लाइट है एंड ब्रीदेबल मटेरियल है और आपके फेस को बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, हैवी नहीं लगता बिल्कुल भी। इसको आपको 15 मिनट्स तक लगा करके रखना है अपने स्किन पे एंड 15 मिनट्स के बाद रिमूव कर देना है। जो एक्स्ट्रा सीरम आपके फेस पे रहेगा उसको आप लाइटली मसाज कर लीजिए तो वो पूरा आपके स्किन में अच्छे से यू नो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा प्लम्ड लग रही है एंड बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन मिल गया है मेरी स्किन को एंड इट हैज़ अ नाइस शाइन। तो ये ऑयल नहीं है बिल्कुल भी मेरे फेस पे, आप देखिए एक अच्छा सा शाइन प्रोवाइड हो गया है मेरी स्किन को। आई एम टोटली लविंग द ग्लो ऑन माई फेस। तो सिर्फ 15 मिनट्स में आपको बहुत ही अच्छी प्लम एंड रेडिएंट स्किन आपको मिल जाती है।
तो मेकअप से पहले भी आई हैव अप्लाइड द शीट मास्क एंड मेरी स्किन काफी ज्यादा ग्लोई लग रही है एंड यू कैन सी मेरा जो मेकअप है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से अप्लाई हुआ है मेरे स्किन पे। काफी ज्यादा रेडियंस एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को एंड काफी ज्यादा प्लम इफेक्ट देता है आपके स्किन पे। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप अपना जो हाइलुरोनिक एसिड का गेम है वो आप टॉप अप कर सकते हैं विद दिस हाइलुरोनिक एसिड शीट मास्क। आपको 2-3 times आप यूज कर लीजिए इसको वीक में विद सीरम। सीरम तो आप डेली यूज कर ही रहे हैं और उसके साथ में आप इस शीट मास्क को यूज कर सकते हैं 2-3 times हफ्ते में तो दैट आपकी स्किन को फ्रेश बूस्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड मिले एंड आपकी स्किन और ज्यादा ग्लोई हो जाए। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शीट मास्क इज कि ये सिर्फ 199 rupees में अवेलेबल है। लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी। इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस प्रोडक्ट एज वेल। सो यस दैट्स इट फॉर माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।